वेलकम टू आवर चैनल। आज 25 मई 2020 इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। जितने भी करंट अफेयर्स 25 मई 2020 में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों इस कंप्लीट वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। किस राज्य ने फंसे ट्रांसजेंडर के लिए दो समर्पित संगरोध केंद्र खोलने का फैसला किया है जो दूसरे राज्य से आते हैं? ऑप्शन असम, तमिलनाडु, मणिपुर, मिजोरम। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? निजमा हेप्तुल्ला। मणिपुर के कैपिटल क्या है? इम्फाल। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनेवाल। असम के कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। असम राज्य कब स्थापित किए गए? 15 अगस्त 1947 में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? इड्डापड्डी के पलना सामी। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? पहला है अन्नामलई नेशनल पार्क और दूसरा है मुंडुमलई नेशनल पार्क। मिजोरम, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथंगा। कौन है? जोरमथंगा। मिजोरम के कैपिटल क्या है? आइजोल। और मिजोरम के राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई। और मिजोरम राज्य कब स्थापित किए गए? तो 1972 में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीके फैक्चुअल पॉइंट्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ सीमा विवाद के बीच किस देश ने एक नए नक्शे को मंजूरी दी है? ऑप्शन नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपी। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। चीन के कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टाका। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? भूटानीस नगल्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, जापानी नाओमी ओशाका दुनिया की सबसे ज्यादा पेड महिला एथलीट बन गई है, वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी टेनिस। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है? जापानीस येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। कौन है? शिंजो अबे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 22 मई, 20 मई, 24 मई, 23 मई। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 मई। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है और 22 मई को कौन सा दिवस? तो वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ट्रस्टी सर्विसेज ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट इंडिया के साथ मिलकर काम करने के लिए किस बैंक को नियुक्त किया है? ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है? उद्धव कोटक। और कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आईसीआईसीआई बैंक कब स्थापित किए गए? तो जून 1994 में। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। येस बैंक के सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहित बघेल का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन अभिनेता, पत्रकार, लेखक, गायक। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिनेता। मोहित बघेल कहां से बिलोंग करते थे? तो मथुरा उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने कितने विकासशील देशों को
160 अरब डॉलर की मदद करने की घोषणा की है। ऑप्शन 80, 100, 120, 110। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी 100। विश्व बैंक के मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। विश्व बैंक कब स्थापित किए गए? तो 1944 में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीके फैक्चुअल पॉइंट्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक मोबाइल फोन बेचने के मामले में कौन सी कंपनी पहले स्थान पे है? ऑप्शन नोकिया, मोटोरोला, सैमसंग, माइक्रोमैक्स। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी सैमसंग। सैमसंग के सीईओ कौन है? किम की नाम। और सैमसंग के मुख्यालय कहाँ है? सियोल साउथ कोरिया में। नोकिया के सीईओ कौन है? पिक्का लुंडमार्क। कौन है? पिक्का लुंडमार्क। नोकिया के मुख्यालय कहाँ है? इस्पो फिनलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, IMF, यूनिसेफ। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र कब स्थापित किए गए? 24 अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदी। कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कब स्थापित किए गए? तो 7 अप्रैल 1948 में। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब स्थापित किए गए? तो 27 दिसंबर 1945। IMF के मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। यूनिसेफ, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। यूनिसेफ के मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, केयर रेटिंग्स के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों की कम मांगों के कारण भारत के कच्चे तेल के आयात में वित्त वर्ष 2021 में कितना प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है? ऑप्शन 7.9%, 8.9%, 9.9%, 8.5%। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी 8.9%। अगला क्वेश्चन है, राज्य के लिए उधार लेने की सीमा केंद्र द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के 3% से बढ़ाकर कितनी प्रतिशत कर दी गई थी? ऑप्शन 4%, 5%, 6%, 3.5%। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी 5%। GSDP के फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्नलिखित IIT में से किसने एक सौर पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर PTC प्रणाली विकसित की है? ऑप्शन IIT पटना, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा डिस्कशन के साथ। ये टोटल कंप्लीट 25 मई 2020 में से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए और अपने सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।